हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं ऐसे एक स्किन केयर रेंज के बारे में बात करने वाली हूँ जो मेरे लिए तो कमाल का काम किया है। तो अगर आप भी मेरी तरह डल स्किन, डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। लेकिन पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली मैंने फाइनली बहुत रिसर्च करने के बाद ग्लाइकोलिक एसिड यूज करना स्टार्ट कर दिया है। एसिड वर्ड सुनते ही हमें डर लग जाता है ना, स्पेशली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज दुनिया भर के डर्मैट्स ग्लाइकोलिक एसिड रिकमेंड करते हैं एंटी स्पॉट्स एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए। ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ही पावरफुल इन्ग्रीडियंट है, क्योंकि ये एक AHA है, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये मॉलिक्यूल्स सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट होता है और ये दो लेवल में काम करता है। ग्लाइकोलिक एसिड स्किन के डीपर लेयर तक पेनिट्रेट होके मेलानिन बिल्डअप को रिमूव करता है, जिससे डार्क स्पॉट्स रिड्यूस हो जाते हैं। और साथ ही साथ स्किन सरफेस पे जो डेड स्किन सेल्स रहते हैं उन्हें भी क्लियर करके ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। तो मेरे माउथ के अराउंड जो डार्कनेस है, इसके लिए मैं बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ। सो जब लॉरियल पेरिस ने उनका ग्लाइकोलिक ब्राइट स्किन केयर रेंज लॉन्च किया, उसे तो ट्राई करना ही था। लॉरियल पेरिस मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड है और AHAs हमेशा अच्छे ब्रांड का ही यूज करना चाहिए। और मेरा सेंसिटिव स्किन है ना, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती। और इस ग्लाइकोलिक ब्राइट रेंज में फेस वॉश, सीरम, डे क्रीम और नाइट क्रीम भी आता है। लेकिन मैं आज मेनली सीरम के बारे में ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि सीरम सबसे पोटेंट स्किन केयर प्रोडक्ट होता है। ओके, सो ये रहा प्रोडक्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लुक एट द पैकेजिंग। इट्स सो क्लीन एंड क्लासी एंड द सीरम स्मेल्स हेवनली। और इसकी टेक्सचर की बात करें तो बहुत ही लाइट वेट, एकदम नॉन स्टिकी टेक्सचर है इसका और क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाता है स्किन में। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि इट रिड्यूसेस 5 years ऑफ डार्क स्पॉट्स इन 2 weeks टू रिवील ब्राइट स्किन। तो मैं ये सीरम लास्ट 2 हफ्तों से यूज कर रही हूँ और मुझे ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गया है और चेहरा पहले से ज्यादा ब्राइट भी दिख रहा है। मेरी नॉर्मल स्किन टाइप है, सेंसिटिव भी है और मुझे ये रेंज सूट किया है। इस प्रोडक्ट में 1% ग्लाइकोलिक एसिड है, जो डेली घर पे यूज करने के लिए परफेक्ट है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी। एक्चुअली वर्ल्ड के लीडिंग डर्मेट्स ने इस रेंज को वैलिडेट किया है। ये प्रोडक्ट्स क्लिनिकली, कंज्यूमर एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो आपकी स्किन टाइप कोई भी हो आप इसे यूज कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद क्लीन एंड ड्राई स्किन पे आपको ये सीरम हर रोज दिन में 2 बार अप्लाई करना है और जेंटली मसाज करना है। डे टाइम में इस सीरम के बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना मैंडेटरी है, तो आप इसी सेम रेंज का जो डे क्रीम आता है उसे यूज कर सकते हैं। उसमें SPF 17 है, तो आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करना नहीं होगा। और रात में नाइट क्रीम एज यूजुअल। 2 हफ्ते इसे यूज करके मुझे अपने हाइपर पिगमेंटेशन में काफी डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि हमारे स्किन में डार्क स्पॉट्स एवरीडे बेसिस पे ही फॉर्म होता है ड्यू टू सन एक्सपोजर, हार्मोनल चेंजेस, एजिंग। और इतने कम टाइम में ही मुझे इतना इम्प्रूवमेंट दिख गया, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है ना इसलिए। और ये प्रोडक्ट क्लेम भी करता है कि इट रिमूव्स 5 years ऑफ डार्क स्पॉट्स इन जस्ट 2 weeks टू रिवील ब्राइट स्किन। सो आपको भी अगर डार्क स्पॉट्स एंड डलनेस की प्रॉब्लम है, देन आई हाईली रिकमेंड कि आप भी इस सीरम को जरूर एक बार ट्राई करके देखो। पहले छोटा वाला पैक ही खरीद के देख सकते हो ट्राई करने के लिए। ये 15 ml का बॉटल है और सिर्फ 399 rupees में आता है और 30 ml का प्राइस है 749 rupees। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है, मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक कर लेना एक बार। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।